हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज की जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया हूं वह संबंधित है उत्तराखंड जॉब, सरकारी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से। जी हां, उत्तराखंड में पिटकुल और यूपीसीएल में जेई की जो भर्ती होनी थी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, उसके लिए मैं आपको यहां पे एक अपडेट लेके आया हूं। हालांकि यह अपडेट 19 अप्रैल के न्यूज़पेपर में आई थी जिसे मैं आज कवर कर रहा हूं। तो यहां पे क्या है, ये हाईकोर्ट का आदेश है कि जो सचिव ऊर्जा हैं वो जेई भर्ती मामले में अब फैसला करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यह जेई भर्ती मामला है क्या। तो जो ये जेई भर्ती मामला है, यह था क्या, जो आपका सन 2017 में जो पिटकुल और यूपीसीएल में जेई के 252 रिक्त पदों पर क्या हुआ था, कुछ भर्तियां निकली थी जिसमें आपका जो उसका पेपर था वह आपका नवंबर 2017 में हुआ था और इसका जो रिजल्ट आया था वह आपका फरवरी 2018 में आया था। यहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिटकुल व यूपीसीएल में जेई विद्युत व यांत्रिकी के 252 पदों की लिखित परीक्षा नवंबर 2017 को आयोजित की थी जिसमें करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 6 फरवरी 2018 को आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित किया था। लेकिन जो आपका यह परीक्षा परिणाम घोषित किया था इसमें क्या हुआ था, हरिद्वार जिले के रुड़की के एक ही कोचिंग सेंटर के 66 अभ्यर्थियों का नाम मेरिट में था, जिसके बाद आयोग ने और कुछ लोगों ने पहले हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। उसके बाद जो वहाँ पे हाईकोर्ट आपके हरिद्वार के तत्कालीन डीएम है उन्होंने इसकी जांच की थी। जांच समिति ने जो आपका लिया, जांच समिति ने आयोग से कहा कि इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए और इसके लिए एक दोबारा से पेपर कराना होगा। अब यही जो आपका हाईकोर्ट है, यह हाईकोर्ट ने इसी को संज्ञान में लेते हुए जो ऊर्जा सचिव हैं, सचिव ऊर्जा हैं, उनको आदेश दिया है कि वो 10 सप्ताह में जो ये रिक्त पद हैं इन पे फैसला लें। अब जो आपका पिटकुल और यूपीसीएल क्या है, पिटकुल का फुल फॉर्म ये इलेक्ट्रिकल की कंपनियां हैं, सरकारी इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं उत्तराखंड में। पिटकुल क्या है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। और यूपीसीएल क्या है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे जेई जूनियर इंजीनियर की जो भर्तियां आई थी 252 रिक्त पदों पर, वो अभी तक मामला फरवरी 2018 से अभी तक अटका हुआ है। जो लोग आपके आ चुके हैं, निकल चुके हैं, वो भी रोक लग चुकी है और जो तत्कालीन डीएम है वहां पे उन्होंने इसमें जो भर्ती परीक्षा हुई है इसकी पेपर लीक मामले की जांच में गोपनीयता लीक होने का जिक्र किया था और इस वजह से यह पेपर रद्द कर दिया है। इसके लिए आपका क्या है, जो आपके ऊर्जा सचिव हैं उनको 10 सप्ताह में फैसला लेने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। 10 सप्ताह मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 2.5 महीना, तो अप्रैल, मई और जून, तो जून तक आपके ऊर्जा सचिव को यहाँ पे फैसला लेना है। तो हम सभी को यह उम्मीद है कि वो यह पेपर दोबारा होगा और शायद 2019 के जो आपका अगले 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उसमें इसका नोटिफिकेशन दोबारा निकलेगा और दोबारा से यह फॉर्म यह भरे जाएंगे, उसके बाद दोबारा से यह पेपर होगा। तो एक ये तरीके से यह तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि 2019 अंतिम जो आपके 2-3 महीने हैं तब तक तो आपका इसका नोटिफिकेशन निकल ही जाएगा। और यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है, हाईकोर्ट ने 25 मार्च 2019 को सचिव ऊर्जा को आदेश दिए हैं कि 10 सप्ताह के भीतर भर्ती मामले पर फैसला करें। तो अब फैसला उनको करना होगा कि आगे क्या करना है और हम सभी को उम्मीद है कि जो ऊर्जा सचिव हैं वो अच्छा फैसला लेंगे और इस जो भर्ती परीक्षा थी इसको निरस्त करके आपका दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से पेपर करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट लाता रहूंगा, आप यहाँ पे रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। आपकी सफलता तक गुरुजी उत्तराखंडी और टीम आपके साथ है। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।